एसकेपुरी थाना अंतर्गत बोरिंग रोड पर एक चौराहे एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों द्वारा जो है चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी और उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति चेन लेकर रास्ते में उतर गया। वहाँ पर जब पुलिस द्वारा रोका गया क्योंकि इनके द्वारा पूर्व में घटना कारित की गई थी, इन्होंने पुलिस का जो बैरिकेडिंग था उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और जो अति विशिष्ट व्यक्ति प्रातःकालीन भ्रमण के क्रम में निकले थे उनके काफ़ी नज़दीक तक पहुँच गए थे, लेकिन उपस्थित जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पर उनके द्वारा रोका गया। उसी रोकने के क्रम में ये दोनों व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से गिर गए। सीएम सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले जो युवक दो थे वह निकले चैन स्नेचर। आपको ताज़ा मामला बताते हैं, आज सुबह की घटना थी जहाँ पे कि सीएम सिक्योरिटी में जहाँ पर तैनात अधिकारी थे और सीएम बीच में अपने टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उसी समय की घटना थी जहाँ पर कि एक बाइकर आते हैं, बाइकर लहरिया कट मारते हैं और सीएम सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं। उसी दरमियान उन लोगों को धर दबोचा जाता है, लेकिन क्या उन लोगों को यह भी नहीं पता था कि यह जो सीएम सिक्योरिटी को तोड़े हैं, सुरक्षा को सेंधमारी किए हैं, यह लोग चैन स्नेचर हैं। यह लोग सुबह में ही एक घटना को अंजाम देने के बाद वहां पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि एक महिला से मॉर्निंग वॉक के दौरान यह लोग जो हैं एक चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देते हैं। अंजाम देने के बाद आपको बता दें कि यह एसकेपुरी थाना क्षेत्र का मामला है और यह घटना को अंजाम देने के बाद जो बाइकर्स हैं और बाइकर्स में से एक व्यक्ति वहीं उतर जाता है और बोरिंग रोड में ही उतरने के बाद दूसरा व्यक्ति उस पर बाइक पर सवार होने के बाद इको पार्क के तरफ जाता है कि दूसरी घटना को वारदात को अंजाम दिया जाए। इसी घटना में वह लोग सीएम सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद वह लोग धर दबोचे जाते हैं। वहीं पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं जरा देखें। 7:45 के आसपास पटना में सर्कुलर रोड पर एक अति विशिष्ट व्यक्ति के प्रातःकालीन भ्रमण के क्रम में एक घटना घटी है जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उनके नज़दीक तक पहुंच जाने की घटना हुई है। इस संबंध में जो अभी तक कार्रवाई हुई है और जो अनुसंधान हुआ है, अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि एसकेपुरी थाना अंतर्गत बोरिंग रोड पर एक चौराहे एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्तियों द्वारा जो है चेन स्नैचिंग की घटना कारित की गई थी और उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति चेन लेकर रास्ते में उतर गया और दो अन्य मोटरसाइकिल सवार जो है घटनाकारी करने के बाद जो अति विशिष्ट व्यक्तियों के निवास स्थल हैं वहाँ उस एरिया में जाया जा रहा था। वहाँ पर जब पुलिस द्वारा रोका गया क्योंकि इनके द्वारा पूर्व में घटना कारित की गई थी, इन्होंने पुलिस का जो बैरिकेडिंग था उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ गए और जो अति विशिष्ट व्यक्ति प्रातःकालीन भ्रमण के क्रम में निकले थे उनके काफ़ी नज़दीक तक पहुँच गए थे, लेकिन उपस्थित जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पर उनके द्वारा रोका गया। उसी रोकने के क्रम में ये दोनों व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से गिर गए और बाद में पूछताछ के क्रम में ये सारी बातें प्रकाश में आई हैं। इस संबंध में जो अनुसंधान किया गया, तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से फिर बैक ट्रेस किया गया और फिर ये बात प्रकाश में आई, इन्हीं लोगों द्वारा बोरिंग रोड पर एसकेपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरिंग रोड पर चेन स्नैचिंग की घटना की गई थी। इस संबंध में जो तीनों लड़के हैं उसमें से एक जो है जो मुख्य अभियुक्त है वो पूर्व में जो है गया रेल थाना से, जो अभी तक बताया है उसके पूछताछ क्रम में गया रेल थाना से वो शराब से संबंधित मामले में जेल जा चुका है। बाइक चोरी की थी या बाइक नहीं, बाइक तो इसी व्यक्ति के नाम है जो अभी तक जितना हम लोगों ने पता किया जो बाइक बरामद हुई है जो मुख्य अभियुक्त है उसी के नाम से है बाइक। जिस महिला के साथ घटना हुआ तो महिला का नाम क्या है? उस संबंध में इसके पूरी थाना क्षेत्र में आके कार्रवाई की जा रही है। दोनों का नाम क्या जो गिरफ्तारी हुई? इसमें एक क्योंकि तीनों लड़के जो है उनकी उम्र को लेकर अभी संदेह है कि मेजर हैं या माइनर हैं, इसलिए नाम हम लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं। जैसे स्पष्ट होगा अगर मेजर होंगे तो उनका नाम आप लोगों को बताया जाएगा। कहाँ का रहने वाला है? मसौड़ी के रहने वाला है। जो फरार है वो भी मसौड़ी का रहने वाला है, उसकी पहचान कर ली गई है, उसके भी अरेस्टिंग के प्रयास चल रहे हैं। चैन बरामद हुई नहीं, चैन उसी तीसरे व्यक्ति के पास थी। सर एसकेपुरी में इस घटना को अंजाम देने के बाद सर्कुलर रोड और एक अन्य मार्ग को रोक किया, इन लोगों ने क्या कुछ भागने का प्लान था या क्या कुछ? नहीं, जो अभी तक पूछताछ का में हालांकि इन्होंने इस घटना में तो अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है, लेकिन हम लोग जो पूरा समझ पा रहे हैं ये एक संभावना है कि हो सकता है दूसरी घटना भी कारित करने का प्रयास कर रहे हों, इसलिए उस क्षेत्र में गए हों क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी रहते हैं।
लेकिन इस विषय में इनके द्वारा ये सब बात नहीं बताई गई। ये जो मुख्य अभियुक्त है इसका एक ऑटो भी चलता है, ये अपना ही एक ऑटो चलाता है सीएनजी का, तो उसने पूछताछ में ये बताया कि वो सीएनजी ऑटो जो है दीघा थाना क्षेत्र में एक जो दुकान है जो सप्लायर है उनके यहाँ थी, तो उसको लेने जा रहे थे। तीन सारे बिंदुओं पर हम लोग इसको फर्दर वेरीफाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एसएसपी राजीव मिश्रा ने पूरी तरीके से इस केस पे बताया है कि उन दोनों व्यक्तियों को धर दबोचा गया है, बाइक को भी पकड़ लिया गया है और जो तीसरा व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी छापेमारी चल रही है। खबरों में बस इतना ही, और आगे की खबर देखने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।